साथियों भाई, आज जो हमारे आंसर किया ये सेकंड शिफ्ट की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट मैंने पूरी डाल दी है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझेंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बुरहान शहर के संस्थापक नासिर खान जो है किस वंश के थे? जो नासिर खान था भाई, ये खान देश के फारूकी वंश का था। एक यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है भाई हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, वीर जो ये वलंगजीगर या कुछ अलग सा एक वर्ड है, इनमें से क्या था? तो ये क्या है भाई, यहाँ पर ये संबंधित था पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में वृहद रूप से फैला हुआ व्यापारियों के संघ का एक नाम हुआ करता था भाई। ये इम्पोर्टेंट एक टर्म थी जो आपको याद रखनी थी और नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, ये याद रख लीजिए आप इसको, क्योंकि आगे एग्जाम में भी ये चीज़ आपके काम आ सकती है। अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं और आदेशों को क्या है भाई, काल के अनुसार रखना है? तो देखिए भाई, सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहला आएगा युद्ध बंदियों, पत्नी बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने की प्रथा पर प्रतिबंध। ये सिर्फ 1562 के लगभग बंद लगाया था भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी थी। उसके बाद तीर्थंकर को माफ़ करना, ये भी 1563-64 के लगभग है। ये सेकेंड पे आएगा जजिया की समाप्ति, आपने पढ़ी रखा है बहुत बार। और उसके बाद आना था चित्तौड़ का फतेहनामा जारी करना, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे भाई? तीव्र आलोचक आपको याद रखना है, ये बाण भट्ट है, और ये क्वेश्चन आगे भी कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इस चीज़ को। कथन करने वाला क्वेश्चन है भाई, सांख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व है, इनमें से पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष है। तो इसका जो पहले में देख रहे हैं ये सही है नहीं, तो पहला यहाँ पे असत्य दिया गया भाई। वादरण्य का ब्राह्मण सूत्र जो है वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है, तो इम्पोर्टेंट है भाई ये वादरण के बारे में, तो ये एक असत्य है और 2 सत्य दिया गया है, तो 4 इसका आंसर है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, विज्ञान में महेंद्रलाल सरकार के योगदान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पर जो है सही दिए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए भाई, सरकार ने विज्ञान के प्रयोग और लोकप्रियता द्वारा भारत में विज्ञान की संस्कृति के निर्माण से अपनी राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। सरकार के लिए विज्ञान जो है राष्ट्रवाद का रूपक था, बिल्कुल सही चीज़ दी गई, ये राष्ट्रवादी हुए हैं। सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि विज्ञान की पथ प्रदर्शक आत्मा के बिना राजनैतिक राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं है, तो ये भी सही है भाई, यानी कि एक सही हो जाएगा इसका, ABCD गलत दिया गया है यहाँ पर। अगला देखते हैं भाई, दक्षिण पूर्व एशिया के जावा द्वीप में, जो दक्षिण का ये जावा द्वीप वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन आया है, यहाँ में हमें देखना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही होगा भाई ये होगा, प्रथम शताब्दी से पूर्व में पहली भारतीय बस्ती स्थापित की गई, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम देखेंगे एक बौद्ध यात्री के अनुसार 5वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था, तो ये भी सही है भाई, 2 सही है यहाँ पर, ए और सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए, मैंने दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 37 पार्ट्स वीडियो डाल रखी है, जो आपकी प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेट है, अच्छी बुक से लिए गए हैं सारे, तो आप चेक कर सकते हो चैनल पर, और हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपको मिलती रहेगी क्वेश्चनों से संबंधित। तो ये इनको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था भाई, तो जब इनकी सूची 1 को जब सूची 2 से हम मिलाएंगे, तो देखिए विरूपाक्ष जो है ये पटतक्कल का विरूपाक्ष मंदिर है, और जो 3 थल है ये अलोरा के अंदर, अलोरा क्या है, और केशव जो मंदिर है ये सोमनाथपुर में है, और नागेश्वर स्वामी मंदिर जो है ये कुंभकोणम में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, विरूपाक्ष वाला आपने देखा होगा लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपने कहीं भी नहीं देखा है। तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं भाई, सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। फारसी स्रोत तज़किरा पीर हसुतेली और इसके लेखक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो है सही दिए गए हैं? तो यहाँ पर भाई देखने हैं कौन कौन से सही हैं। तो पहला गलत दिया गया है, लेखक सूरत सिंह का परिवार पेशे से व्यापारी था, उन्होंने शेख सतारुलाल और ये शिष्य कुमार उनके शिष्य के लिए ले जाया जा गया, तो ये एक सूफी संप्रदाय था, जो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 4 इसका आंसर दिया गया है भाई, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जल्दी हम करेंगे नहीं तो वीडियो लंबी चली जाएगी, आपको सिर्फ इसके आंसर याद करने हैं। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की?
तो भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना जो है सरला देवी चौधरानी ने की थी भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बार, इसमें होता है भाई। तो सुने सेप का जो आख्यान है भाई यहाँ पर है, त्रय ब्राह्मण के अंदर ये मिलता है भाई, त्रय ब्राह्मण इसका आंसर होगा। अगला देखिए भाई, यहाँ पे सूची वन यानी कि लेखक आए हुए हैं, इनको आपस में क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए भाई, सुशील कुमार डे का जो बुक है इनकी है हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर इन द 19th सेंचुरी, और शहनवाज खान की है INA एंड इट्स नेताजी, इंपॉर्टेंट बुक थी भाई ये शहनवाज खान वाली। BH वादेन पावेल की बुक है यहाँ पर लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, और MLC ब्राउन की है हर दयाल हिंदू रेवोल्यूशनरी एंड रैशनलिस्ट। तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा भाई इसका आंसर। तो 1857 से संबंधित क्वेश्चन आया, विद्रोह में दलितों की भागीदारी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पर जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर भाई अकेला एक इसमें जो है B सही है, जलकारी बाई रानी लक्ष्मी बाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नजर आता है। तो ये जलकारी बाई के बारे में भाई इंपॉर्टेंट चीज है ये, और प्रोफ बद्री नारायण ने 1857 के दलित अख्यानों के मौलिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया है। तो ये दो सही हैं, बाकी ये A, C और D यहाँ पर आंसर में आएंगे, क्योंकि सही उत्तर ये है इनके लेकर के, क्योंकि कौन से सही नहीं है, तो ये नहीं सही नहीं है तीनों, बाकी दो मैंने आपको बताए हैं वो सही दिए गए हैं। इनको अरेंज करना था भाई इनके टाइम पीरियड के अनुसार, कौन सा किसका काल के अनुसार से कौन सा आया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आए हैं, मिनांडर आएगा सबसे पहले फर्स्ट पे, मिनांडर आएगा, उसके बाद गोंडोफर्निज आएगा, उसके बाद आएगा चस्टन, फिर रुद्रदामन 4 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, यहाँ पे ये लिस्ट है, इनको करना है मैच सूची वन को, जो ये कौन से वंश से संबंधित है। तो गोविंद चंद्र आपने बहुत बार पढ़ रखा है किस वंश से संबंधित है, इनको संबंधित करना है। तो जब हम इनको आपस में इनको जो है संबंधित करेंगे, तो महेंद्रपाल है यहाँ पर गुजर प्रतिहार, और ननुक जो है राष्ट्रकूट है, वाक्यपति राज जो है यहाँ पर ये है परमार, गोविंद राज जो है गोविंद है यहाँ पर चंदेल। तो यहाँ पर 3 इसका आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए भाई, ये है ऐतिहासिक पत्ति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो A, B और D जो है भाई इसका आंसर है, C नहीं है इसके अंदर, तो ये आप देख लेना भाई पॉज करके। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भाई, इनको पढ़ते रहे साथ ही साथ। 1618 में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान जहांगीर लिखता है शेख सुल्तान अहमद, जिन्होंने अहमदाबाद की शहर की स्थापना की थी, किस समय में हुए थे और वे सुल्तान अपना बहुत जो है सम्मान करते थे। तो इसके बारे में आप जानते हैं, गुजरात के इस सूफी संत की पहचान करें जिसे एक बार तैमूर के सैनिकों ने भी गिरफ्तार कर लिया था। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा हुआ है भाई इनमें से, तो ये हुआ है भाई शेख अहमद मगरीबी है भाई, 1 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, भारतवर्ष यानी भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य प्राप्त होता है भाई खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, कोई ज़्यादा वो नहीं था ये। 1783 में मेजर जेम्स रेनेल द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान का नक्शा जो है किस बात का द्योतक था। तो ये किस बात का द्योतक था भाई, ये था भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग था ये। तो इम्पोर्टेंट था भाई ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे डाल रखे हैं। विजयनगर राज्य की मुद्रा की मानक इकाई जो बाद में यूरोपीय वृत्तांतों ने टैगोरा के रूप में उल्लेखित की, इस अभिलेखों में किन नामों से वर्णित किया गया है। तो किन नामों से वर्णित किया गया है भाई, इनको वराह के वराह कहा गया है इसको, और गड्यान कहा गया है भाई, हूण कहा गया है। तो A, B और C हो जाएगा भाई इसका आंसर। अगला देखिए भाई, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देखनी है सही है या नहीं। तो तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर जो है ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, बिल्कुल सही कथन है भाई, ग्रेनाइट की चट्टानें निकटवर्ती क्षेत्र में उपलब्ध थी, कुछ भी न वही वहाँ पे ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं था भाई। तो 1 सही है और 2 गलत है।
1886 में भारतीय पर कौन सा स्थायी कर लगा दिया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, आयकर लगाया गया था। सेकंड शिफ्ट वाले बोल रहे थे कि इजी नहीं आया, लेकिन बहुत से क्वेश्चन इजी आए हुए हैं अभी इसके अंदर। इतिहास लेखन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इतिहास लेखन के ऊपर ये क्वेश्चन आया है भाई, तो ये कौन से कथन सही हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर सही हैं, 4 के 4। तो ये आपको याद रखने हैं भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये काफ़ी, क्योंकि डिस्कस नहीं करेंगे ताकि जो है वीडियो लंबी ना बन जाए, पॉज करके आप पढ़ सकते हो वीडियो को। बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया, इनमें छकड़ों, गाड़ियों के लोहों की तैनों से बांध करके कईयों से सुरक्षित करना और बगली दस्ते यानी कि तुलगमा मुहैया कराने जैसी युक्ति है। इसमें क्या होता था कि जो गड्डियों का आपस में बांध करके पीछे पंक्ति में सैनिक खड़े होते थे, तो इसको तुगलमा पंक्ति बोलते थे। बाबर ने ये युक्ति कहाँ से इसने सीखी थी? तो ये इसने बाबर ने जो सीखी थी दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, ये इसने ओटोमन और उज्बेकों से सीखी थी। उज्बेकों से आप इसको याद रख सकते थे। ये आई है लिस्ट, इसको करना है भाई मैच यहाँ पर। तो जब हम इसको मैच करेंगे भाई, यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ जो होगा ये वेदों को पढ़ना व पढ़ाना, और भूत यज्ञ होगा यहाँ पर सभी प्राणियों की आहुति से संबंधित, और देव यज्ञ होगा अग्नि की आहुति, मनुष्य यज्ञ होगा अतिथि होगा सम्मान। तो एक हो जाएगा भाई, इम्पोर्टेंट था ये काफ़ी। इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। पंचशील के बारे में कौन से कथन सही है भाई? ये क्वेश्चन कटिंग में है, तो पंचशील के संबंध में जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी डी और ई सही है। अभी बी डी और ई यहाँ पर सही है, यानी कि सेकंड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पे कटिंग हो रखी है इसके अंदर। तो यहाँ पर ऑथर और बुक्स दिए गए हैं भाई, इन बुक्स को मैच करना है। तो देखिए भाई, जब इनको मैच करेंगे तो फ्रैंक एंकर स्मिथ की जो बुक है भाई, इनकी है मीनिंग ट्रूथ एंड रेफरेंस इन हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, और एडवर्ड जो सईद है इनकी बुक है यहाँ पर कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, और मिशेल फूको की बुक है भाई यहाँ पर डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन, एपी थॉम्पसन की है कस्टम इन कॉमन। तो एक यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा भाई बुक्स वाले का। तो अगला देखिए भाई, दक्षिण भारत में कृषि उत्पादन के संदर्भ में कुड्डा पाकर और सब पेशनम ना क्या निर्दिष्ट करते हैं भाई? ये करते हैं चावल की खेती के 2 मुख्य मौसम, जिनका नाम जो है गर्मी सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली चावल की किस्मों के आधार पर रखा गया है। तो ये हो जाएगा भाई, इसका इजी थाम लगा सकते थे। जब शहजादा मोहम्मद काम बख्श ने अपन उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया, तो सैफ खान ने कहा यह नीच आचरण है जो तुम अपनी माँ से पाया है, यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया, इसी ने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई थी, उस माँ की पहचान करें। तो शहजादा मोहम्मद खान इसकी माँ की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो इनकी माता है भाई, ये है उदयपुरी बेगम, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से किस देवता की जो मूर्तियाँ हल की बनी, यानी हल मूर्तियों में हल की यूज, बलराम? इजी था ये तो भाई, कई क्वेश्चन बिल्कुल इजी आए हुए हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है भाई? तो ए बी और डी सही है भाई, यहाँ पर आप चेक कर लेना, ए बी और डी यहाँ पर जो है सही दिए गए हैं। एक सेकंड, ए बी और डी सही है, ए बी और डी आप देख लेना, थोड़ा रोक करके वीडियो को। अगला देखिए, चुंबकीय कुतुब नुमा यानी कि कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ किस फारसी कृति में मिलता है? ये मिलता है भाई चुंबकीय वाला जो क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी जुआमी उल हिकायत के अंदर है। कई क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर रिपीटेड है, अगर आपने पुराने पेपर देख रखे थे तो आपके ये ठीक हो जाते हैं। भारत में आरंभिक औपनिवेशिक दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट जो है कौन थे? तो कौन थे भाई, ये थे एक बिचौलिया वणिक वर्ग जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा था। तो इम्पोर्टेंट था भाई, इनमें से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना खास में खगोल शास्त्र कुतुबनुमा पर अनेक पुस्तकें जमा कर रखी थी, और चाहता था कि उसका प्रयोग जो भी हो उसका उपयोग इच्छुक हो? तो इस टाइप से क्वेश्चन था। तो फिरोज तुगलक था भाई, इसने ऐसी बुक्स जमा कर रखी थी। नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं? तो नवपाषाण काल में जो हड्डियों से बने
कहाँ पाए गए हैं, ये पाए गए हैं भाई गुफर काल में और चिराद में, तो ए और सी हो जाएगा भाई इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, औरंगजेब से संबंधित क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के रुपए का वजन क्या था। इम्पोर्टेंट है भाई ये चीज़ें रिपीटेड होने लग गई हैं, 180 ट्राई दिया गया है, आने लग गए हैं ये क्वेश्चन अब एग्जाम के अंदर। तो प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है भाई, तो सही उत्तर का चयन करना है, तो ये सारे यहाँ पर सही हैं भाई। वेदांग के रूप में वैज्ञानिक ज्ञानकांश ज्योतिष के नाम से जाना, चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था, वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था भाई। ये प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई सारी ये। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने धनुर प्रकार के सिक्के यानी कि धनुष बाण उठाए हुए सिक्के उनके मिलते हैं, तो किन के मिलते हैं भाई ये, तो ये मिलते हैं इन सभी के, चंद्रगुप्त के भी, चंद्रगुप्त सेकंड के भी, कुमारगुप्त फर्स्ट के भी, स्कंदगुप्त के भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, धनुर्धर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। परिहारों यानी राजकीय मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख इनमें से किस में है, तो किस में है भाई ये है गोमती पुत्र सात करने के एक अभिलेख के अंदर जो है इस चीज़ का वर्णन मिलता है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी भाई, छूट वगैरह की बात जो हो रही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कानूनों को उनके लागू होने की तारीख से काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले आएगा भाई शिशु बाली बलि हत्या घोषित करने वाला रेगुलेशन वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला 17 नंबर वाला, ये सेकंड 1829 वाला, और इसके बाद ईसाई धर्मांतरित के उत्तराधिकार एक्ट ये आ जाएगा, ये 1850 में है, तो थर्ड पे आ जाएगा भारत में गुलाम प्रथा को अवैध घोषित करने वाला इंडिया एक्ट ये आ जाएगा भाई, ईसाई धर्मांतरितों के लिए उत्तराधिकार का एक्ट 1850 नहीं भाई, ये 43 कुछ ऐसे होगा, गुलाम प्रथा को अवैध घोषित करने वाला ये 43 वगैरह में हुआ था, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक। एक बार खुद चेक कर लेना भाई, थोड़ा सा इसमें डाउट सा है। उत्तर 18वीं सदी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि क्योंकि भाई यहाँ पे निज़ाम ने अपनी निष्ठा मुगल बादशाह के प्रति दर्शाई और उसे लगातार नजराना देता रहा, तो ये चीज़ सही है भाई। यहाँ पर पेरिप्लस एरिथ्रिन सी की संभावित तिथि में से कौन सी है, पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी है लगभग भाई इसकी डेट, अज्ञात है इसका लेखक, हमें ज्ञान नहीं है कौन इसका लेखक, आज तक पता नहीं है उसका। निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष क्रम में लगाना है भाई संस्थानों को, तो जब हम इसको लगाएंगे भाई तो सबसे पहले आएगा शारदा सदन, फिर आएगा माताजी महारानी तपस्विनी का कलकत्ता का महाकाली पाठशाला, और उसके बाद आएगा भाई केशव कर्वे का नाथपालिका आश्रम, रमाबाई रनाडे का सेवा आश्रम चार पे, तो चार यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, याद रखते चलिए इनको। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित रचनाकारों को काल के अनुसार लगाना है, कौन सा सबसे पहले आया कौन सा बाद में आया भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर यास का आएगा भाई, उसके बाद पतंजलि आया, यास के निरुक्त की रचना की पतंजलि ने आपने पढ़ रखा है, और जो है उसके बाद आएगा शीतले सत्यनार आया, शीतले सत्यनार जो है थर्ड पे आएगा, संध्याकर नंदी बाद में आएगा, यानी कि ये एक हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए भाई, भारतीय संविधान में पर्सनल लॉ को शामिल करने में तो डैश क्या हो, इसमें क्या हुआ, तो ये है वैधानिक बहुलता उत्पन्न हुई, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अभिकथन वाला क्वेश्चन है भाई ये, अभिकथन से संबंधित है, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, दोनों ये सत्य दिए गए हैं और व्याख्या नहीं कर रहा बस ये, तो दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है, दो हो जाएगा इसका आंसर, पॉज करके पढ़ लें आप। प्रधान संस्कृत टीलों में क्या है, जो प्रधान संस्कृत टीले हैं भाई इसमें क्या है, कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। तो अगला देखिए भाई, मुगल प्रशासन में मार्गों की सुरक्षा के संबंध में निम्न से कौन से कथन जो है सही है, तो ये क्या है भाई, इसमें ए बी सी डी ये सारे के सारे जो है सही दिए गए हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ लेना भाई सारों को, रोक करके वीडियो को, मैं नहीं चाहता कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। निम्नलिखित विद्रोहों को काल के अनुसार लगाना है भाई, कौन सा विद्रोह जो है कब हुआ, तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह आएगा भाई, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, और उसके बाद आएगा भाई
उड़ीसा उड़ीसा का जमींदार का जमींदार विद्रोह, उसके बाद आएगा भील विद्रोह 1844, तारा विद्रोह, चार पे, तो एक यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए भाई, इनको अरेंज करना है मुगल राज परिवार की बेटियों को उनके काल के अनुसार लगाना है भाई। तो मुगल काल की जो बेटियों को जब इनको काल के अनुसार लगाएंगे तो सबसे पहले आएगी भाई गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, उसके बाद जहारा बेगम जो क्या है आप बताइए इसके बारे में कौन थी ये, और जिब्बू निसा औरंगजेब की पुत्री ये लास्ट में आएगी चार पर, रोशनारा जो है ये औरंगजेब की बहन आएगी थर्ड पर, तो यहाँ पर CA ये इसका आंसर हो जाएगा। वसावदत्ता और रावण वध के रचयिता कौन है भाई, बिल्कुल इम्पोर्टेंट रचना है भाई दोनों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो ये क्रमशः सुबंधु और बट्टी की है भाई, दोनों इम्पोर्टेंट है, बट्टी का रावण वध है, सुबंधु की वसावदत्ता है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। मुगल काल में चिकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुकेरण करके रेखा चित्र बनाया जाता था, इसे क्या कहते थे भाई, तो इसे क्या कहते थे भाई, चरबा बोलते थे इसको, चरबा, चरबी पे, इस टाइप से इसको आप याद रख सकते थे, चर्बी चरबा, चर्बी के ऊपर बनता था, काल के ऊपर चर्बी। प्राचीन भारतीय कला के इतिहास के संदर्भ में इनको काल के अनुसार लगाना था भाई, तो इनको जब आप काल के अनुसार लगाओगे तो सबसे पहले नागार्जुनी आएगा सेकंड पर, फर्स्ट पर, नागार्जुनी आएगा फर्स्ट पर, भांजा आएगा सेकंड पर, उसके बाद तारले आएगा थर्ड पर, एलिफेंट आएगा फोर्थ पर, काल के अनुसार। तो सबसे पहले नागार्जुनी की पहाड़ियाँ आपने पढ़ रखी होगी और उसके बाद आप सारे लगा सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, डिटेल नहीं कर रहे भाई क्योंकि टाइम नहीं है। आईन अकबरी के निम्नलिखित में से किन फसलों का किसी भी दस्तूर सर्कल में उल्लेख नहीं मिलता, तो आईन अकबरी में किसका उल्लेख नहीं मिलता, आपने भाई आइडिया लगा सकते थे आप, तंबाकू जहांगीर के टाइम में आया, और जो चीज़ें अंग्रेजों के टाइम में आई जैसे चाय आई, तो इनको आप बाहर कर सकते थे इससे आइडिया लगा करके भी। तो देखिए क्या क्या इसमें नहीं थी आइन के अनुसार, तो ना तो कॉफ़ी थी भाई, ना चाय थी भाई, और ना ही जो है तंबाकू थी। नील और अफीम ये पहले से ही था, अफीम आपने पढ़ रखा है कि हुमायूं इसका जो है क्या था, आदि था, और नील तो यहाँ पे शुरू से ही हो रही थी, तो तीन हो जाएगा भाई यहाँ पर इसका आंसर, इम्पोर्टेंट था भाई काफी। ACE होगा ना, एक बार देख लेते हैं, ABE है भाई, ABE, ACE नहीं है, ABE। अगला देखते हैं भाई, अकबर के निर्मित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का दीक्षक नियुक्त किया, और उसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की भी थी, तो ये कौन था भाई, ये था भाई कासिम था भाई, ये कासिम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कासिम हुआ है, कासिम खान, इंपॉर्टेंट था भाई ये, इजी भी था जिसने पढ़ रखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये दिए गए हैं बुक्स के अंदर कई जगह पे। इनमें से कौन प्रारंभिक भारत में जो है जाने माने शैव हुए हैं, तो जाने माने शैव कौन कौन से हुए हैं भाई, पहला ए ऑप्शन और बी ऑप्शन त्रुमंगे, ये दोनों जो हैं ए और बी यहाँ पर सही हैं, ए और बी नहीं भाई, ए और जो है यहाँ पर शैव हुए हैं, शैव हुए हैं यहाँ पर ए और बी, सी नहीं है भाई, ए और बी है, अजीब से नाम। निम्न में से किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है औपचारिक उद्घाटन हुआ, तो कहाँ हुआ भाई, बॉम्बे के अंदर हुआ था भाई ये, बॉम्बे के अंदर, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ है काफ़ी। मोरिस डी मोरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरोगीकरण एक मिथक है, क्योंकि क्यों मिथक है भाई ये इसलिए मिथक है भाई, हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। अगला देखते हैं भाई, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए कथनों को जो है देखना है, तो देखिए भाई एक बार, ए बी और डी इनमें सही है, ए बी और डी यहाँ पर सही है, सी गलत है, तो ए बी डी यहाँ पे इसका आंसर होगा, तो आप मैच कर लेना भाई वीडियो पॉज करके। इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे, जो ताजिक थे भाई यहाँ पर उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी थे भाई, ताजिक बोलते थे इनको। कांग्रेस ने 1946 के कैबिनेट मिशन योजना की आलोचना क्यों की थी भाई, कांग्रेस ने इस चीज़ की आलोचना ये की थी इन्होंने, कैबिनेट मिशन ने देसी रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संविधान सभा में होने की जरूरत को नज़रअंदाज कर दिया था, तो इसलिए की थी भाई। निम्न से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध होंगे, मैत्रेय नाथ है भाई, तीन।
इनको क्या है भाई, सूफियों को काल के अनुसार लगाना है। तो इनको जब हम काल के अनुसार इन चिश्तियों को लगाएंगे तो ये होगा इसका, सबसे पहले आएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर आएंगे शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, उसके बाद आएंगे निजामुद्दीन औलिया, शेख चिराग आएंगे। 4/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो थोड़ा जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी चीज़ों को ताकि जल्दी वीडियो बन जाए। 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं? तो यहाँ पर दिए गए हैं बी सी और डी, वही बी सी और डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो ये आप पढ़ सकते हो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इनके नाम जो दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं। पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया, पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानगारों और नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है भाई ये है, जॉन मॉर्सल ने ऐसा कहा है। तो अगला देखिए भाई, मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच और अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? तो कौन था भाई ये? ये था मार्तन वर्मा। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। अगला देखिए भाई, शेख अब्दुल कुंदुस गंगोई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं? ए सी और डी सही है भाई, आप चेक कर लेना भाई इसको, और ये इनके बारे में है, पढ़ लेना, इनके बारे में बहुत सी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, पढ़ लेना भाई। और बुक्स में इन चीज़ों को मेंशन करते रहिए साथ ही साथ, जो चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। ध्यानीभूत से संबंधित है भाई, जब हम इनको लगाएंगे तो अमिताभ है यहाँ पर, पदमपणि से संबंधित, और जो एक्सोभ्य है ये वज्रपाणि से संबंधित है, और जो विरोचन है ये सामंतभद्र है, अमोघ सिद्धि जो है विश्वपाणिनि से संबंधित है। दो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई इस बार। इनमें से कौन सी बात पल्लव साम्राज्य के वीरकल अभिलेखों में नहीं पाई जाती है? तो वीरकल अभिलेखों में कौन सी इनमें से बात जो है नहीं पाई जाती है भाई पल्लव साम्राज्य? तो ये है भाई, पशुओं और फसलों की उत्पत्ति हाथियों से रक्षा करना, ये यहाँ पे राइट है। बाकी ये मिलती है 3/3 ऊपर वाली। 1848 के राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किसने किया था भाई? ये वीरेश लिंगम पत्रों ने किया था। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 1878 भी याद रखना आपको कि कब इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ये आया है अनुलोम और प्रतिलोम क्या थे प्राचीन भारत में, अनुलोम विलोम जो है भाई यहाँ पर क्या थे? तो ये दोनों जो चीज़ें हैं भाई प्राचीन भारत के अंदर क्या हुई है, ये विवाह की दो प्रणालियाँ थी ये, और वर्ण संकर पत्ति के दो पहलू भी थे। तो 3 हो जाएगा भाई इसका आंसर। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये तो। और यहाँ पे ऑथर और इनकी बुक्स आई हैं भाई, इनको मैच करना है। तो यहाँ पे अब जब इनको मैच करेंगे तो मार्गरेट जो चटर्जी की बुक पड़ेगी भाई, लास्ट वाली बनेगी, गांधी एंड हिज जविस फ्रेंड्स हो जाएगा ये, और गंगे मुखर्जी की हो जाएगी गांधी टैगोर पॉलिटिक्स ट्रूथ एंड कोसियस क्या है ये, बीकू पारेख की हो जाएगी भाई गांधीज पोलिटिकल फिलासफी, एरिक्सन की बन जाएगी गांधी ट्रुथ ऑन द ओरिजिन ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस। तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं भाई, कई बार आ सकती हैं एग्जाम में, तो याद रखिए भाई इनको। तो आगे फिर क्या आए हैं भैया, मंगोल अटैक आए हुए हैं, किसके टाइम में किसने किया भाई? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, मैंने आपको सारी वीडियोज़ के अंदर ये क्वेश्चन करा रखा है, आप पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है भाई, और आपको इसके बारे में जो है पता भी होना चाहिए भाई, जो है मुगल मुगल दिया गया है यहाँ पर, मंगोल है भाई ये, मुगल यहाँ पर गलती से उन्होंने दे दिया है, तो बच्चों ने भी गलती कर दी हो क्या पता। तो जो इसका जो है राइट, जब इनको हम करेंगे आपस में, तो तैर बहादुर ने किया था भाई मोहद्दीन बैरम शाह के टाइम में, और तमाशरीन ने किया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, शीर मुगल ने किया था भाई जैसम तुगलक के टाइम में, कुतलुम ख्वाजा ने किया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। एक मिनट भाई, स्क्रीन चली गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर एक बार, 1/3 देखिए, 1/3, 1/2 देखिए, 1/2, 1/2 यानी कि 2 में दिया गया, 2 हो जाएगा भाई इसका आंसर। अगला देखते हैं भाई, अभिकथन वाला क्वेश्चन है भाई, अभिकथन गांधी से संबंधित। तो यहाँ पर जो है गांधी धार्मिक मूल्यों की जो तुलना में धार्मिक आस्थाओं को लेकर जा चिंतित थे, ये गलत दिया गया भाई, सेकंड वाला सही है। तो 4 हो जाएगा भाई यहाँ पर सही। तो चीज़ें पढ़ते रहिए भाई, मैं थोड़ा बीमार हूँ इसलिए मैं भी थोड़ा टाइम जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? तो क्या है भाई, भद्रबाहु से संबंधित ये क्वेश्चन जो आया है, इसका आंसर है यहाँ पर पूरा लेख विदा साक्ष्य है भाई इसका, क्योंकि इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें इनको जोड़ने के, आपस में संबंध होने का। 1830 के दशक में बंगाल और बिहार में देसी भाषा के शिक्षा की व्यवस्था पर तैयार हुई 3 रिपोर्टों का लेखक कौन था? तो ये था भाई विलियम एडम था भाई, इसने 3 रिपोर्ट तैयार की थी विलियम एडम ने 1830 के अंदर। अगला देखिए भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के संबंध में कौन से कथन जो है सही दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाई ए और सी, देख लेना आप इसको पोज करके, तो ये दोनों कथन सत्य दिए गए हैं यहाँ पर। अगला देखिए, ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन आया है भाई, इसको औरंगजेब से संबंधित क्वेश्चन है, तो ए और आर दोनों यहाँ पर सही है भाई, और व्याख्या भी सही कर रहा है ये, तो एक यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। इनको पढ़ते रहिए आप जरूर पोज करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे ये। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा भाई, अभी आगे शब्द पद और इनको आपस में मैच करना है भाई, ये तो कई बार ये तो आ चुका है भाई, सेम क्वेश्चन नेट में आया हुआ है भाई पहले ये, और जब भी इनको मैच करने बैठेंगे भाई तो ए का होगा 4, चाहकान बोलते हैं कुआ खोदने वाले को, और संकिया बोलते हैं रहट को, अहंगार बोलते हैं भाई यहाँ पर लुहार को, सुरखो ईंट कूटने वाले को, 2 हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। बारिश हो रही है भाई आपके एरिया में भी हो रही है क्या? बड़ा ठंडा मौसम कर दिया है। सूची 1 को सूची 2 से कबीर वाला क्वेश्चन है भाई, इसको मैच करना है, तो जब इनको मैच करेंगे भाई, कबीर प्रत्यय जो है ये अनंतदास से संबंधित है, और भक्तमाल जो है ये नाभदास से संबंधित है, विज्ञान गीता जो है ये केशवदास से संबंधित है, भक्त विजय जो है महीपति से है, 3rd हो जाएगा इसका राइट। तो अगला देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पे जो करेक्ट दी गई है वो हमें देखनी है, अजंता वाला जो है इसमें हम जब इनको देखेंगे तो ए बी और डी यहाँ पर सही है, ए बी और डी वाला, 7वीं सदी के अंत में अरब सेनाओं में लोहे में रकाब का युग शुरू किया, अरबी शब्द रकाब का युग फारसी में लोहे के रकाब के लिए, और अजंता चित्रकला में घुड़सवालों के चित्रों में रकाब नहीं मिलते हैं, रकाब नहीं मिलते हैं अजंता चित्रों के अंदर, तो यहाँ पर ए बी और डी इसका राइट आंसर है भाई, ए बी और डी 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगला देखिए भाई, एशियाई से संबंधित है ये, एशियाई समुद्री व्यापार के निमित्त में से कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं भाई? तो ए बी और सी सही दिए गए हैं भाई, ए बी और सी यानी कि ये 3 के 3 सही दिए गए हैं भाई, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई ये, आप पढ़ते रहिए इनको पोज कर करके, इनके बारे में ज़रूर जानकारी रखिए इनके बारे में, और भी पढ़ते रहे काम आती रही चीज़ें। सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया गया है? तो सम्राट का जो ये पाया गया है भाई दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यानी कि 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा यानी कि अशोक वाले का दिल्ली टोपरा स्तंभ मिलता है इसका, जो 7वां स्तंभ है दिल्ली तो में मिलता है। आगे देखिए भाई, इन कवियों को अभिलेखों के रूप में जाने जाते हैं, इनको तिथि क्रम के अनुसार इनको लगाना है अभी कौन सा किस टाइम हुआ, तो जब हम इनको भाई आपस में जब इनको लगाएंगे इनके टाइम के हिसाब से, तो सबसे पहले हरिसेन आएगा भाई, इसकी प्रशस्ति आपको पता होगी समुद्रगुप्त वाली है, वत्सभट्टी 2nd पे आएगा, और जब हम लगाएंगे सी ये रवि कीर्ति और कीर्ति में फ़र्क है भाई, रवि कीर्ति ने लाहौल अभिलेख लिखा है, तो 1 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई हरिसेन वाले क्वेश्चन का। अगला देखिए, 1882 में मौलिक कृति स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने लिखी थी भाई, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राज्य रोहन के तुरंत बाद निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय के लिए आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के कदमों पर चलेगा, और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है, और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, इम्पोर्टेंट है भाई ये काफ़ी। अगला देखिए, स्याही कलम या नीम कलम तकनीक निम्न में से किस क्षेत्र के चित्रकारों द्वारा भारत लाई गई? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, ये लाई गई चिट्रास ऑक्सियाना से चित्रकारों द्वारा, वहीं के चित्रकार यहाँ आए थे। दबिस्तान मजाइब के संबंध में से कौन से कथन जो है सही दिए गए हैं भाई? तो यहाँ पे दिए गए हैं ए सी और डी, आपको देख लेने हैं। सिख समुदाय के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है, एक इच्छा और नूर नानक रचनाओं को यहाँ पे ए सी डी है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, मैंने कई बार आपको बताया कि दबिस्तान मजाइब के अंदर सिख धर्म से संबंधित
चीजें मिलती हैं। प्रतिमो का तात्पर्य क्या है भाई, बोध परंपरा के संज्ञा या नियम इसमें मिलते हैं भाई, तीन हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये। अगला देखिए भाई, इतिहासकार के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में से कि एक एक से अधिक अर्थ हो सकता है। तो भाई देखिए, कई परिवारों के कुलों के ग्राम के जान जाती थी। सही है भाई, पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए गए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था। तो ये भी सही है भाई। और देखिए नेक्स्ट देखिए, सी ग्राम जनजाति की छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी, ये भी सही है। तो तीन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी गलत दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन आया है भाई, आगे देखिए इसको, पैराग्राफ से संबंधित है जो ये क्वेश्चन आए थे, पैराग्राफ जरूर पढ़ते रहिए। अपने शासन के आरंभिक दिनों में अकबर ने अपनी उदारता से धर्माचार्य को अनुभूत किया था। इस अनुदान को क्या बोलते थे, सिरगाल भी बोलते थे भैया। अगर आपने पहले क्वेश्चन कर रखे हैं एग्जाम के, तो ये वहाँ से क्वेश्चन पुट किया गया है। सेम डिटो क्वेश्चन आया हुआ है भैया आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगर आपने पीछे पढ़े होते तो आपको सारे काम आते। पूर्वग्रह वाले धर्माचार्य किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदायवादी नहीं थे भाई, किन के प्रति नहीं थे, ये सुन्नियों के प्रति नहीं थे भाई, सुन्नी है ये, किसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, इनमें से किन पूर्व शासकों ने दिल जीतने के लिए माओं को भूमि अनुदान दिए थे, किनों ने दिए थे भाई, अफगानों ने दिए थे, ये 4 हो जाएगा भाई यहाँ पर इसका आंसर। इम्पोर्टेंट है भाई ये, याद रखना आपको, तो इसको को जो है बाद में भी करेंगे अच्छे से एक बार। अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद कुलीनों और उनकी धार्मिक नीति के विकास पर नई रोशनी डालने वाले का पहचान करना है, इक्तदार आलम खान है भाई, सॉरी दोस्तों, ये 3 है इसका आंसर। अगला देखते हैं, इंडियन मुस्लिम वर्ल्ड, ये देखिए अगला हिंदी में करेंगे इसको, भारतीय मुसलमानों को किस रूप से जानते थे, शेख ज़्यादा के रूप में जानते थे भाई। अगला देखते हैं, इतिहास को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करना था। तो ये जो 1867 में शोध पत्र एक लिखा था, इंग्लैंड टू इंडिया, नरोजी ने लिखा था। इतने ईजी तो क्वेश्चन आए हुए हैं यार, 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे आपके, एक भी गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर तो आपका। और ये तो बीजी तिलिक ने कहा था ये, कि जो दूसरे की पत्नी को सजाने जैसा है ये, रेलवे के बारे में, टेलीग्राफ के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीट है ये क्वेश्चन, तो इजी भी नहीं, इजी भी कह सकते हैं, रिपीट भी कह सकते हैं इनको। अगला देखिए भाई, निम्न से किन ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रशासकों ने तर्क किया कि भारत में आर्थिक सक्षमता लाने के लिए ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का हाथ था। तो किसने कहा था भाई ये कहा था भाई, स्टुअर्ट मिल ने और अल्फ्रेड मार्शल ने। तो ए और बी हो जाएगा भाई यहाँ पे इसका राइट। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, फर्स्ट मैंने डाल रखा है भाई, आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट शिफ्ट सारे डाल रखे हैं। इनमें से किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासक को मुक्त व्यापार नीति का विरोध किया था भाई, ये काशीनाथ त्र्यंबक तेलांग ने किया था। चैनल पर बने रहें भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर नए हैं बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई वर्षों के संकोच के बाद निम्न से किस